डाबरा समाचार से मनु मिश्रा। इस समय हम मऊ जिला के दोहरी घाट में उपस्थित हैं। बगल में हमारे बैठे हुए हैं राजेश गुप्ता जी, जिनसे मैं वार्तालाप करूंगा और पूछूंगा कि आपके जो इस क्षेत्र में रवैये हो क्या हैं, आप क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, इनसे पूछने के बाद पता चलेगा। क्योंकि डाबरा समाचार से मनु मिश्रा का यह लक्ष्य होता है हर जगह पहुँच के कवरेज करने का और अपने डाबरा समाचार के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का और दिखाने का। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है जी। सर आपको क्या लगता है कि किन किन बिंदुओं पर हमें काम करना चाहिए कि पिछले बार नहीं हुआ? सबसे पहले दोहरी घाट की सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार और सभी मतदाताओं को मेरा शुभकामनाएं। और देखिए, बहुत सारे काम ऐसे पड़े हुए हैं दोहरी घाट नगर में जो अभी तक हो ही नहीं पाए हैं, न करने की कोई सुधि रखता है। और ये सब देख के हम लोग चुनाव मैदान में आए हैं कि दोहरी घाट को बदलना है, विकास की गति इतनी तेज ले जानी है कि हर कोई आश्चर्यचकित हो जाए। आपको देखने में क्या क्या लग रहा है कि इसके पहले कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है, किस तरह का हुआ है? देखिए, दोहरी घाट की पिछली जितनी भी नगर पंचायत का कार्यकाल रहा, जितने भी अध्यक्ष बने, कोई अपना पेट भरता रहा और कोई अभिशाप बन गया। दोहरी घाट की जनता त्रस्त है और इन सब चीज़ों का निवारण करने के लिए हम लोग मैदान में आए हुए हैं। ज़रूर हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। सर यह बताइए, जगह जगह नाले में कचड़े हैं, कचड़ों को वह बाहर निकाल के रख देते हैं, उसको फेंकते भी नहीं हैं, जिससे मच्छर पनपते हैं और वही बारिश में कचरा जो है उसी नाली में चला जाता है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, नालियां जो हमारे यहाँ बनती है बिना किसी प्रोग्राम और बिना किसी मानक के बनती हैं। जो जिसको मन में आया, जैसे टेंडर दे दिया, जैसे मन का आया वैसे ठेकेदार काम करके चले गए, ना कोई पूछता है ना कोई रोकता है। कोई भी मानक से काम नहीं होता है, ना नालियों पे पटिया होती है, ना नाली पे, ना उसकी साफ़ सफाई कायदे से होती है। कोई भी गंदगी जाए, सारा गंदगी नाले में जाए। हम लोग आएंगे और उसका उचित बंदोबस्त करेंगे। जो फुटपाथ पे आए दिन ठेला लगाते हैं जिससे जाम लगता है, इनके विषय में आपका क्या कहना है कि इनको कहीं अलग जगह दिया जाए कि नहीं दिया जाए? इनके लिए भी हम लोगों ने स्थान देख रखा है और जब हम लोग आएंगे, सत्ता में हम लोग आ गए, तो हम लोग उस चीज़ों पे पूरे अच्छे तरीके से उसका क्रियान्वयन करेंगे। उनको अस्थाई हल देने के लिए हम लोगों ने जगह देख रखा है जो आपके यहाँ की सब्जी मंडी है, क्या कभी उस पर किसी का ध्यान जाता है कि वहाँ पर तरह तरह के व्यापारी आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, वहाँ खरीदारी करते हैं, अपने क्षेत्र के भी लोग जाते हैं, बारिश के समय उसमें चलना निकलना दुर्लभ हो जाता है? ये हमारे यहाँ नगर अध्यक्ष जो भी रहा, वो व्यापारियों के प्रति हमारे नगर के उदासीन रहा। व्यापार मंडल भी, वो भी व्यापारी लोगों के लिए उदासीन ही बना रहता है। किसी का कोई कार्य निर्धारण समझ में ही नहीं आता कि किसका क्या कर्तव्य है और क्या करना चाहिए। पूरे नगर के व्यापारी, चाहे फुटपाथ पे हो, चाहे रेहड़ी पे हो, चाहे वो पक्के मकान में हो, सारे लोग त्रस्त हैं और सारे लोग परेशान हैं। सर ये पूछना चाहते थे आपसे कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके विषय में क्या आपने कभी सोचा है? गरीबी हटाते हटाते तो लोग अमीर हो गए और हम लोग इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आए कि जिसकी जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत उसके पास पहुँचे। यानी यह आपका लक्ष्य रहा है कि गरीबों में मैं पहुँच करके उनके सुख दुख में भागीदारी बनूँ, सही है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता की जनता के हर कार्यों का अच्छे तरीके से निर्वहन करना ही हम लोगों का कर्तव्य है और हम लोग इसी के लिए आए हुए हैं। सर ये बताइए, ये आपके यहाँ जो वृद्धा पेंशन बनते हैं, चाहे जो आवाज दिखाए जाते हैं, क्या यह सत्यता है कि हर बार में जो यहाँ पर बनते हैं चेयरमैन, क्या वह काम कार्य करते हैं, इस पर ध्यान है उनका? ध्यान होता तो जनता चिल्लाती थोड़े ही। जनता विवश है, जनता मजबूर है। प्रतिनिधि चुन के आते हैं लेकिन अपना प्रतिनिधि तो नहीं करते। प्रतिनिधि चुन जाने के बाद वो उनको एक अहम हो जाता है, हम इतने लोगों के जो है कि हम इतने लोगों के क्या कहते हैं कि हमारे पीछे इतने लोग हैं, अहम जिसे कहा जाता है, अहम कह लीजिए उसको, अहम भी है और वहम भी है। यानी दोनों, आपका कहना है कि दोनों है? दोनों है, क्योंकि अगर क्षेत्र में हम रहते हैं तो वो कारनामे बोलते हैं, आपका ये कहना है ना?
कि हम क्षेत्र में रहेंगे तो हमारे कारनामे बनेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो नहीं बनेंगे। बिल्कुल, जो काम करेगा जनता उसी को सराहेगी, उसे सर आंखों पे बिठाएगी। सर ये बताइए आपका नाम क्या है? महेंद्र निषाद। जो राजेश जी कह रहे हैं क्या आप बता सकते हैं उसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ हैं? हाँ। क्षेत्र में आप बने रहते हैं? जी, वार्ड नंबर 10 के सभासद रहे हैं और फिर लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं जी, क्योंकि मैं इस नाते हमारा पूछना काम होता है और पारदर्शिता दिखाना काम होता है कि यो कोई ये ना कहे कि हम मीडिया कर्मी बोल रहा है। अगर यह बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके कारनामे बोल रहे हैं। अगर कोई निर्दल लड़ता है उसके हौसले बुलंद होते हैं, लड़ता है उसके हौसले बुलंद होते हैं तब लड़ता है, और अगर हौसले बुलंद नहीं होते तो चुनाव नहीं लड़ते। इसी बीच में कई लोग हैं, मौजूद हैं हमारे पास, मैं उनसे भी पूछूंगा क्या आपका नाम है, क्या सच्चाई है। सर अपना नाम बताएं। यासीन अहमद। कुछ कहना चाहते हैं जनता से? जनता बस अपना इनको देखना चाहती है, इनको चेयरमैन बनाना चाहती है राजेश कुमार को, और अच्छा काम करने के लिए तैयार हैं ये। राजेश कुमार जी के साथ इसी संदर्भ में यहाँ पर युवक भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि भाई आप लोग इसमें क्या कहना चाहते हैं, और आप भी लोग अपनी बातें रख सकते हैं क्योंकि यह डावरा समाचार सबको टाइम देता है, सबको समझता है, सबको बात रखने का मौका देता है। इसी बीच में मैं पहुंचूंगा, इन लोगों से पूछूंगा भाई आप क्या कहना चाहते हैं। सर अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम सरफराज अहमद है और मैं इस नगर पंचायत डोरीघाट से यहाँ का नागरिक हूँ, और मैं सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ डाबरा समाचार का, जो हम लोगों के बीच आए, हमारी बातों को दूसरों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और रही बात नगर के समस्याओं का, तो जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा हम उसे यही कहना चाहेंगे हमारे नगर को सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर बनाए, और इसीलिए हमने अपना प्रत्याशी चुना है श्री राजेश कुमार गुप्ता जी को। और हम नगर वालों से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग राजेश जी को पहिया के निशान पे मोहर लगाएं और उनको अध्यक्ष बनाएं, ताकि नगर को सुरक्षित बनाया जाए, स्वच्छ बनाया जाए, बदहाल नालियों के निर्माण कराया जाए। जो भी समस्याएँ हैं, हमारी बहुत सारी समस्याएँ हैं, सबसे पहले तो हमारी समस्याएं जो भी हमारे अभी हमारे मोहल्ले में ही, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ पे एक धार्मिक स्थल, एक नहीं बल्कि 3-4 धार्मिक स्थल। मोहल्ला कौन सा है? हमारा मोहल्ला नवापुरा चौक आता है, नवापुरा चौक और नवापुरा दोनों मोहल्ला आता है। इस मोहल्ले में हमारी एक नहर है, बल्कि बारिश के महीनों में 2-2, 3-3 फीट पानी चले जाते हैं, उसी पानी में डूब के लोग धार्मिक स्थल पे जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। बताइए, नाले में डूब के नमाज पढ़ने जाते हैं, नाले में डूब के मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो किस मतलब ये हमारे नगर की मतलब क्या जो किस्मती है, जो हम लोगों ने आज तक ऐसा जो भी हम लोगों ने अभी तक चुना किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बस एक ही नहीं, बहुत सारी समस्या। आप उनसे बराबर कहते रहे? बिल्कुल, हम लोगों ने बाद में ध्यान नहीं पड़ा, कोई ध्यान नहीं देता, कोई कभी ध्यान नहीं देता। तो इसी समस्याओं को लेके हम लोगों ने एक नया अपना चेहरा बनाया है हमारे राजेश कुमार गुप्ता जी, जो मतलब पहिया निशान लेके आए। तो आपसे निवेदन है, सारे नगरवासियों से निवेदन है कि हमारे पहिया निशान पे मोहर लगाएं और राजेश भैया को जिताएं, ताकि नगर में जो भी समस्याएं हैं सारी समस्याओं को दूर किया जाए, नगर को खुशहाल किया जाए, बदहाल नालियों को सही किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डाबरा समाचार जी। मैं बता देना चाहता हूँ, इस नाते मैं बताना चाहता हूँ, अभी इस भाई साहब ने क्या कहा है कि जब हम पूर्व चेयरमैन के पास अपनी बातें रखते थे, कहते थे, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। मैं यही बार बार कहता हूँ कि समाज में नेताजी आप लोगों के कारनामे बोलते हैं, अगर सही रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही नए युवक कैमरे के सामने आएंगे और अपनी बातें रखते रहेंगे डाबरा समाचार के माध्यम से, क्योंकि मनोज मिश्रा सबको मौका देता है बोलने के लिए कि सब लोग अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि यही मीडिया है कि बातें समाज तक पहुंचाती है कि क्या क्या कहाँ कहाँ का क्या कैसे कैसे हो रहा है। सर नाम बताएं। शहजाद नाम है मेरा, शहजाद अहमद। मैं भी नवापुरा चौक का रहने वाला हूँ। चूँकि आपने पूछा कि आप लोगों ने शिकायतें की है, तो मैंने खुद अपने नाम से दर्जनों लेटर लिखे हैं नगर पंचायत डोरीघाट को, और जो इसके पहले चेयरमैन जो अभी वर्तमान में रह चुके, उसके पहले भी जो चेयरमैन रह चुके, दोनों को मैंने अपने अपने नाम से अपना पत्र लिखा था, कैमरे के सामने, लेकिन एक भी सुनवाई नहीं हुई। सारे लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं, तो वो हम जिसके पहले चेयरमैन थे अशोक साहू, वो हमारे मत को लेकर जीते थे, लेकिन उसके बाद हमको भूल गए। जब हम लोगों ने उनको बुलाया कि हमारे मोहल्ले में नालियों के ऊपर पानी बहती है, मस्जिद में पानी जा रहा है, तो वो बोल रहे थे कि हम आएंगे नहीं, तुमको काम कराना है तो कराओ और नहीं तो उसे छोड़ दो। और वाकई में उसको छोड़ दिया गया 10 सालों से, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ है।
और उसी वक्त हमारे नगर पंचायत दोहरी घाट को आदर्श नगर पंचायत बनाया गया। जो आदर्श नगर पंचायत किसको कहते हैं या शायद दोहरी घाट में किसी को याद ही नहीं है कि आदर्श किसको बोलते हैं। आदर्श बोलते हैं आइडियल, जो रोल मॉडल होता है, जहाँ उसको देख कर दूसरा कोई उसको अपने यहाँ वो काम करे, ताकि दोहरी घाट कोई आदर्श नगर पंचायत है। यहाँ पर कोई भी ऐसा एक काम नहीं हुआ है जिसको लोग आदर्श माने। आदर्श नगर पंचायत का पैसा आता है और नगर पंचायत के लिए भी खर्च नहीं होता है, तो आदर्श के लिए क्या खर्च करेंगे लोग। तो आप किसी भी गली में जाएंगे, ना आपको कोई लाइट मिलेगा, ना आपको कोई शुद्ध नाली मिलेगा, ना आपको कोई ऐसा जलकल मिलेगा जहां आप पानी पी सके, ना आपको कोई शौचालय मिलेगा जहां पे आप शौच कर सके। ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है दोहरी घाट में जहां आपको लगे कि आदर्श नगर पंचायत दोहरी घाट है। आदर्श के नाम पर सिर्फ छलावा किया गया है। वही हम लोग चाहते हैं कि अगर दोहरी घाट को आदर्श नगर पंचायत बनाया गया है तो यहाँ पे ऐसा काम हो कोई यहाँ से गुजरे तो कहे कि हाँ दोहरी घाट किसी और के लिए आदर्श है। यहाँ जैसा काम हुआ है जाके हम अपने नगर में वैसा काम अपने चेयरमैन से करवाएं, अपने ग्राम पंचायत में करवाएं। तो दोहरी घाट को हम लोग आदर्श बनाना चाहते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने राजेश कुमार गुप्ता को ये नहीं लड़ रहे, हम लोगों ने मिलकर इनको लड़ाया है कि आप लड़िए और आप नगर का विकास करिए, नगर को आदर्श नगर पंचायत बनाइए, ताकि लोग इसके बाद किसी को और अगर लड़ना हो तो ऐसा काम करे कि वो जनता के बीच आए और अपना वोट मांगे। ऐसे नहीं कि वोट करते और जनता को भूल जाए। सर अपना नाम बताइए, आपका क्या कहना है यहाँ पे, जो भी विकास हुए हैं चाहे नहीं हुए हैं उनके विषय में आपको क्या कहना है? अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ है हम लोग के बीच, हम लोग वही देख के आए हैं कि विकास जब नहीं हुआ है तो हम लोग कहें राजेश भैया को लड़ाया जाए। तो जितने युवा वर्ग हैं, जितने दोहरी घाट की हर कौम हर जनता जितनी है, राजेश भैया को मैदान में लाइए, राजेश भैया को जिताइए और उनको विजयी बनाइए, दोहरी घाट का विकास होगा। और चलिए ये भी बात कुछ रखना चाहते हैं, मैं इनसे पूछूंगा। सर आपका नाम क्या है? अशोक कुमार गौण। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि नगर पंचायत दोहरी घाट में इसके पहले जितने भी चेयरमैन रहे हों, केवल लूट खसोट का काम हुआ है, काम कुछ कायदे का हुआ नहीं है। और उसका जीता जागता उदाहरण है मुक्तिधाम रोड। मुक्तिधाम रोड जब यहाँ पे चेयरमैन थे विश्वनाथ, उनके ज़माने का वो बना हुआ रोड और आज तक चल रहा है, टूटा फूटा है, अगल बगल नालियाँ हैं, नाली भी टूटी फूटी हैं, नाली का पानी रोड पर आता है, बरसात का पानी रोड पर जमा हो जाता है। अभी कल रात में बारिश हुई थी, पूरा घुटने तक पानी वहाँ पे पड़ा हुआ था, कोई इसको देखने उकने वाला है नहीं। तो विकास की गंगा जो लोग बोलते हैं कि बह रही है वो सब झूठ है और छलावा है, इसी से तंग। क्या वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं लोग, बहुत लोग उसमें लड़ रहे हैं, कुछ लोग की सीट नहीं आई तो नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, और इसके पूर्व चेयरमैन लड़ रहे हैं, रह चुके हैं, वो लड़ रहे हैं, सपोर्ट में भी हैं, लड़ भी रहे हैं। इसके पहले 15 साल तक बहुत लोग चेयरमैन रहे, उन लोगों का भी काम देखा हम लोगों ने, लेकिन कुछ कायदे का नहीं है, मतलब कि एकदम नथिंग है, आदर्श लायक कोई चीज़ है नहीं। और मुक्तिधाम रोड जो विगत मतलब कि 300 साल से बदहाल है, 300 साल से, आज के 50 साल पहले विश्वनाथ चेयरमैन ने वो बनवाया था, वो अब से कायम है। ठीक है, वही टूटा फूटा, उसको न कायदे से बनवाया जा रहा है, न हजारों लोग का आना जाना है। वो रोड अगर कायदे से बन जाती तो वहाँ जल जमाव नहीं होता और लोग आराम से मुक्तिधाम। कभी आपने उस रोड के लिए आप लोग खड़े हुए? कितनी बार ज्ञापन दिया गया है, कितनी बार खड़ा? ज्ञापन का कोई मतलब नहीं निकला, कुछ भी मतलब नहीं निकला, कुछ भी मतलब नहीं निकला। सब यहाँ पर ज्ञापन दिए, उस अधिकारी का नाम बताइए। यही नगर पंचायत दोहरी घाट उसमें किसके हाथ में सौंपे थे? ऋचा यादव। उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने विज्ञापन लेने के बाद उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में यू आएगा, नाप कर लेकर जाएगा, जो भी वहाँ पे प्रक्रिया चल रही है वो करके टेंडर पास करवा के काम करवाया जाएगा। फिर कोई नहीं गया? उसके बाद मैंने उनको सैकड़ों कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं करती थी। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ी दिन बाद विधानसभा का चुनाव आ गया, इसके बाद हम काम करवाएंगे। उसके बाद फिर वो ट्रांसफर लेकर चली गई, उसके बाद से अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मैं बता देना चाहता हूँ उन अधिकारियों को कि आपको सरकार पैसा देती है, उस चीज़ का अच्छे से निर्वहन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग गलतियां छोड़ के जाते हैं कि दूसरे को बोलने का मौका मिलता है। अगर इस लड़के का काम हुआ होता तो आज ये कहता नहीं। ज़्यादा कुछ न कहते हुए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।